देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फरजाना। दिल्ली के विकास भवन के पास आईपी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बढ़ती फीस को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि ये छात्र सीएम केजरीवाल से मिलने भी गए थे, लेकिन इन्हें मिलने नहीं दिया गया। छात्रों का कहना है कि लगातार फीस में बढ़न होने के चलते उनकी पढ़ाई पर प्रभाव पड़ता है। हालांकि इनमें कई ऐसे छात्र हैं जो स्कॉलरशिप से पढ़ते हैं और फीस में बढ़त हो तो वो इनकी भरपाई कैसे कर पाएंगे। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रोटेस्ट फीस बढ़ने को लेकर। अनिश्चितकाल तक धरने पर बैठे छात्र। कॉलेज प्रशासन पर आरोप, अगर उन्होंने फीस नहीं दी तो रोक दी जाएगी उनकी मिलने वाली डिग्री। परमिशन होने के बावजूद भी छात्रों को सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मिलने नहीं दिया गया। दिल्ली के विकास भवन के पास आईपी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया प्रोटेस्ट। छात्रों ने एकत्रित होकर बढ़े फीस को लेकर किया प्रोटेस्ट। सीएम हाउस से भी उन्हें हाथ लगी तो मात्र निराशा। छात्रों को सीएम से नहीं दिया गया मिलने। ये नजारा दिल्ली सरकार के विकास भवन का है। अपने हाथों में बैनर पोस्टर लिए ज्यादातर छात्र आईपी यूनिवर्सिटी के हैं। ये सभी छात्र प्रशासन की बढ़ती फीस को लेकर सभी एकत्रित हुए हैं और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये छात्र दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर भी गए थे, लेकिन वहाँ से भी उन्हें मिली तो मात्र निराशा। परमिशन होने के बावजूद भी छात्रों को मिलने नहीं दिया गया। इस प्रोटेस्ट में कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो अपनी मिलने वाली स्कॉलरशिप के जरिए अपनी पढ़ाई करते हैं। उनका कहना है कि वह बढ़ी हुई फीस कहां से देंगे। स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए छात्रों ने बताया, उनको धमकी भी दी जा रही है, अगर छात्रों ने अपनी फीस जमा नहीं की तो उनकी डिग्री तक रोक दी जाएगी। यही नहीं, साथ ही मिला हुआ प्लेसमेंट भी कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर बात करें छात्रों की तो इस प्रोटेस्ट में लगभग 74 कॉलेज के छात्र शामिल हुए। बहरहाल छात्रों की सरकार से एक ही मांग है कि बढ़ती फीस को किसी भी तरीके से रोका जाए। देखने वाली बात ये होगी कि इन मजबूर छात्रों पर दिल्ली सरकार रहम करती है या नहीं। कॉलेज के मनमाने फीस को बढ़ाने की वजह से छात्र कहाँ जाए, सीएम सुनते नहीं और ना ही उनसे मिलने दिया जाता है, तो इनकी आवाज कौन सुनेगा। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।